जिले के लाल बिहारी मृतक की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। लाल बिहारी खुद को कागज में जिंदा साबित करने के लिए 18 वर्ष से अधिक समय से लड़ रहे थे। दरअसल लाल बिहारी को 30 जुलाई 1976 को कागज में मृत घोषित कर उनकी जमीन चचेरे भाइयों के नाम दर्ज करा दी गई थी। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वह लोन लेने बैंक गए। इसके बाद से उनका नाम ही लाल बिहारी मृतक पड़ गया। 1976 में हमको पता लगा और अपने लोन लेने के लिए जब स्टेट बैंक में गया तो वहाँ से सबूत मांगा गया, तो जब मैं तहसील के अभिलेख मांगा और लेखपाल के पास गया तो पता चला कि 1976 को न्यायालय ने तहसीलदार आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया है। तो अपने को कैसे जिंदा साबित किया आपने, कितने वर्षों की लड़ाई लड़ी? मैं अपने आप को जिंदा करने में लगभग 18 वर्ष लगा और बहुत विभिन्न प्रकार के अनोखे संघर्षों से मुझे जिंदा होना पड़ा और अपने साथ साथ कई हजार लोगों को मैंने जिंदा भी कराया। अभी पता चल रहा है कि आपके ऊपर कोई फिल्म बन रही, कौन सी फिल्म है और कौन बना रहा है? हाँ, ये तो बात सही है। सतीश कौशिक बम्बई के हैं फिल्म निर्देशक, वो हमारे पर फिल्म बनाए, उस फिल्म का नाम है कागज और उसकी शूटिंग हो गई है।